पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा है कि अगले एक महीने से हेमंत सोरेन सरकार के लिए निर्णायक होंगे। 25 मार्च तक सूर्य सिंह बेसरा ने हेमंत सरकार को स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने की चुनौती दी है। मैं माननीय विधायकों को आज मैं आईना दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी आज से 30 साल पहले विधायक रहा था और झारखंड निर्माताओं में से मैं एक हूं। युवाओं का जो आवाज़ है अभी कोयलांचल से शुरू हुआ, कोल्हान तक पहुंच गया, अभी रांची राजधानी भी आ रहा है, कल से आवाज़ गूंजेगी सदन में और सड़क में भी हल्ला मचेगा। इस बीच में आज मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये झारखंड कैसा झारखंड बन गया, झारखंड क्यों बना, किसके लिए बना। झारखंड बना भारत का संविधान के आर्टिकल 3 में है, द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, नया राज्य का गठन हो सकेगा। भारत का संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रावधान नहीं होता तो राज नहीं बनता, पूरे देश में राज बना। तो बाकी जगह में जो राज बना वैसा झारखंड राज नहीं बना, और सौभाग्य से जो है झारखंड राज बना तो 15 नवंबर बहुत ऐतिहासिक दिन है। 15 नवंबर मतलब बिरसा मुंडा का जयंती है, तो भगवान बिरसा मुंडा को आदर्श पुरुष मान लिया, तो उनकी लड़ाई उलगुलान से CNT एक्ट बन गया। छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट का मतलब है कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन का अधिकार, जो आज अधिकार मिल नहीं रहा है, तो एक हो गया। उनकी लड़ाई का कानून बना, ब्रिटिशों ने बनाया, लागू नहीं हुआ, अक्षर से लागू नहीं हुआ। दूसरा, बिरसा मुंडा का इस राज में जिसको आपने आदर्श माना, तो बिरसा मुंडा में क्या इंग्लिश में बोलता था क्या? बिरसा मुंडा की मातृभाषा हिंदी था क्या, या भोजपुरी भी था, या उड़िया बंगला था? नहीं, बिरसा मुंडा का मातृभाषा था, मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ा था, जो लड़ाई लड़ के अंग्रेजों ने कबूल किया और छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 कानून बना, जो जमीन का रक्षा हो। आज जमीन का रक्षा झारखंड में नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, उनकी भाषा कहाँ है? स्कूल से लेकर कॉलेज, विद्यालय से विश्वविद्यालय, कहीं बिरसा मुंडा का, उनकी आवाज़ का उनकी मातृभाषा में नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात है, जब राज बनेगा तो विधानसभा में कैसे बोलेगा? विधानसभा में बोलने के लिए, विधानसभा में बोलने के लिए संविधान का 210 में प्रावधान है कि अगर कोई माननीय विधायक, कोई माननीय विधायक अपना भाषा में, जहाँ बोली जाती है क्षेत्र में, अपने भाषा में बोलने का इजाजत मांगेंगे तो स्पीकर, भारतीय संविधान के तहत प्रावधान है आर्टिकल 210 में कि मैं मुंडार में बोलूँगा, इसे बोलिए, मैं कोठा में बोलूँगा, बोलिए, मैं संथाली में बोलूँगा। इतना के बावजूद कोई विधायक आज तक नहीं बोला। दूसरी बात है, शपथ ग्रहण में संताली भाषा जो है ये 22 दिसंबर 2003 को भारत का संविधान में 8वें अनुसूची में कर दिया, और जैसे ही 22 दिसंबर 2003 में संविधान में जगह मिल गया संताल भाषा को, तो वो शपथ ले सकता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना, आपने संताली में शपथ ग्रहण नहीं किया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हेमंत सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री बना कि संताली में वो शपथ ग्रहण नहीं किया। तो ये चुप कहाँ हो रहा है? वो क्यों नहीं जान पा रहे इस संविधान को? बिना पाठ पढ़ाए कोई UPSC BPSC JPSC पढ़ सकता है? पास नहीं कर सकता है। MBBS होगा तभी डॉक्टर होगा, LLB होगा तब एडवोकेट बनेगा। ये बिना लिख, मैंने लिख लुढ़ा पढ़ पत्थर, इन अनपढ़ लोग हैं इन लोग। मैं आईना दिखाने इसलिए जा रहा हूँ कि झारखंड राज का राजभाषा क्या होना चाहिए आज भी तय नहीं हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 345 में दिया गया कि कोई भी उस प्रांत के, प्रोविंस के, राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान के 345 के तहत वो अपना राजभाषा का दर्जा राज्य सरकार दे सकती है। आज तक बना ही नहीं, मतलब कि इन 22 वर्षों के अंदर में 5 बार चुनाव हुआ, 11 बार सरकार बनी और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन आज तक नीति निर्धारण नहीं हुआ, नेता निर्धारण हुआ। नेता माने कौन नेता? वो लायक कि नालायक कि खलनायक, ये इसकी परिभाषित नहीं की जा सके। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि 25 फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक एक महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट्स, बहुत ही उसकी महत्वपूर्ण है। अगर इस एक महीना के अंदर में हेमंत सोरेन नीति निर्धारण करने में चूक जाते हैं तो इनकी सरकार जाना तय है, ये बोल रहा हूँ संदेश। इसीलिए जिस तरह से वहाँ आंदोलन के दबाव में केवल भोजपुरी भाषा को
हटा दिया गया बोकारो धनबाद से। ये केवल एक जिला का मामला नहीं है, पहले आप नौ भाषाओं को आप यहाँ का शिक्षा का माध्यम बनाओ, नौ भाषाओं को आप राजभाषा का दर्जा दे दो, और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाओ, फिर नियोजन नीति बनाओ। नियोजन नीति बनाने ही नौकरी कैसे दोगे, राजभाषा बना ही नहीं कैसे KG-2 PG पढ़ेगा, विधानसभा में रूलिंग बना ही नहीं, विधानसभा में विधायक लोग क्या बोलेंगे, मतलब कुल मिला के कुछ बना नहीं। 22 वर्षों के अंदर में न झारखंड का तस्वीर बदली, न झारखंडियों का तकदीर बदला, न व्यवस्था बदल, केवल बदला तो सत्ता बदला, बदला तो नेतृत्व बदला, बदला तो चुनाव में नेता बदला। आप एक महीना के अंदर में आर पार की लड़ाई होगी, सदन में गूंजेगी आवाज, पक्ष विपक्ष में गूंज होगी, और सड़क पे भी उलगुलान होगा। एक महीना के अंदर में फैसला हो जाएगा कि ये अंतिम संस्कार है सरकार है कि अंतिम संस्कार है, हेमंत सोरेन की अंतिम सरकार है या इस सरकार की अंतिम संस्कार है। ये कल से लेकर के 25 मार्च तक ये तय हो जाएगा। यही संदेश देना चाहता हूँ। बाबू विधि विधान पढ़ो, कोर्ट में डिबेट होता है तो वकील लॉ पास करके CRPC IPC बिना जाने नहीं होगा। डॉक्टर MBBS पास करता है कि क्लोरोक्विन देगा कि ये कोरोना का क्या दवाई देगा, या बिना MBBS का डॉक्टर नहीं बनता और बिना LLB पास का कोई लॉयर नहीं बनता। ये लोग लिख लूड़ा पड़ पत्थर कुछ हो नहीं जानता। मैं चैलेंज करता हूँ मुख्यमंत्री से लेके, ये मुख्यमंत्री नहीं ये मूर्ख मंत्री है, ये मूर्ख मंत्री है। उस्ताद आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से, अरे वाह आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल, हेलो। आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।